Hey everyone, this is Rohit. Last video we discussed about principles of scientific management in brief. Become easier. So scientific method adopt करना ज़रूरी है, traditional method को छोड़ देना चाहिए and thinking how work can be done in the best manner by analyzing the work scientifically. बेस्ट तरीके से काम कैसे हो सकता है उसको साइंटिफिकली स्टडी करना, मतलब इट्स लाइक मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ और मैं अपने सिर्फ यू नो डिसीजंस चलाता हूँ तो दैट्स नॉट साइंटिफिक. मैं अगर लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स, दूसरी कंपनी के एक्सपीरियंस, यू नो देन जो मैनेजमेंट गुरुज हैं उनकी थियोरीज पढ़ के अगर मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ तो दैट टेंड्स टू बी मोर साइंटिफिक. सो इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक, इट हैज़ टू बी साइंटिफिक. जब भी आप कुछ काम करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. सेकेंड इज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. वर्कर शुड नॉट डू द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. मैनेजर्स करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे, एक्सपर्ट्स करेंगे. ठीक है, एक्सपर्ट्स को ये काम करना होता है. एंड तो वर्कर्स क्या करेंगे, तो जो प्लानिंग किया गया है उसको वो फॉलो करेंगे. प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग को फॉलो करेंगे. प्लानिंग कौन करेगा, एक्सपर्ट्स करेंगे. सो प्लानिंग हैज़ टू बी डन बाई, इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी फॉलोड बाई द वर्कर्स. थर्ड इज़ जॉब एनालिसिस. इट्स द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन इन द बेस्ट वे विथ लोएस्ट कॉस्ट, कम से कम खर्चे में काम करना. सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे कॉस्ट कम हो जाएगा, तो कॉस्ट कम करो प्रोडक्टिविटी खुद इम्प्रूव होगी. दिस कैन बी डन आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीक स्टडी. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, क्वेश्चन इज. ये तो हम पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कैसे, तो उसके लिए तीन स्टडी एग्जाम्पल दिए हैं. ये तीन स्टडी अगर हम प्रॉपरली करें तो प्रोडक्टिविटी फॉर श्योर बढ़ेगी. एंड दीज आर साइंटिफिक टेक्निक्स, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है. जैसे टाइम मतलब क्या होता है, टाइम स्टडी का मतलब टाइम लगना चाहिए और एक्चुअली कितना लगता है एक काम कंप्लीट करने में. फॉर एन एग्जांपल, अगर 1 आवर लगना चाहिए, मैं अगर 1.5 आवर लगा रहा हूँ, मतलब मैं 1/2 आवर कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो हो जाता है टाइम स्टडी. अगर टाइम स्टडी के थ्रू मुझे पता चल जाए कहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है तो मैं वो टाइम बचा लूँगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सेकेंड इज़ मोशन स्टडी. मोशन स्टडी का मतलब होता है, मोशन मतलब क्या, मूवमेंट. किस चीज़ का मूवमेंट, तो बिजनेस की बात चल रही है तो रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड मेन. जहाँ पे भी प्रोडक्शन चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल, अगर वहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट्स होगी मेन मटेरियल की, चीज़ें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो वापस आप उसको अरेंज करोगे, टाइम वेस्ट होगा, यू नो. एंड अननेसेसरी मूवमेंट्स जो है वो वेस्टेज की तरफ ही डायरेक्ट करती है. तो अगर मोशन स्टडी की जाए तो हमें पता चलेगा कहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही है गुड्स और लोगों की भी, रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की, तो उसको हम रिड्यूस करके अगेन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. एंड फटीक स्टडी, एज द इमेज क्लियरली सिग्निफाइज, किसी चीज़ से यू नो जिसको हम बोलते हैं बोर हो जाना, एक ही चीज़ कर करके यू नो यू आर टायर्ड ऑफ इट, वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आप किसी चीज़ को करने में यू डोंट फील सेटिस्फाइड और हैप्पी और एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक नहीं हो आप, तो वो काम ठीक से नहीं करोगे, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. तो फटीक स्टडी से पता चलता है दैट क्या उस काम में जो कर रहा है उसका इंटरेस्ट है या नहीं, और नहीं है तो उसको करवाना मैनेजमेंट का काम है. अगर ये तीन स्टडी की जाए तो ऑब्वियसली किसी भी चीज का मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, इन अ सेंस कि काम करने का एक तरीका डिसाइड कर देना पहले से, ताकि
काम वैसे ही हो, तो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए फिर उसमें। तो ये एडवांस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे काम चाहिए, प्लस इक्विपमेंट, टाइम, वर्क सिचुएशन, रिसोर्सेज, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसको स्टैंडर्ड तरीके से पहुँचाना, अरेंज करना, एंड दिस इनटू अ सर्कुलर फ्लो ऑफ एवरीथिंग। जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वैसे मिलेगी, वैसे काम होगा टाइम टू टाइम, तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी डन अप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली। कि भाई अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वर्कर्स को अपॉइंट करने के लिए सिलेक्शन होगा कैसे, रैंडमली तो नहीं कर सकता हूँ, तो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बेंचमार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि भाई मुझे इफ़ आई रन अ स्कूल फॉर इंस्टेंस, तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि भाई बीएड कंपलसरी, ये एक क्राइटेरिया हो गया, तो दैट इज़ क्राइटेरिया बेंचमार्क, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि भाई क्वालिफिकेशन सेट कर दी एक सॉरी इंजीनियर हो गया, किसी तरीके की स्किल्स हो गई, जैसे आईटी स्किल्स, कंप्यूटर्स की, गट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें पहले से हम सेट कर सकते हैं, ताकि जिसके पास ये है वही अप्लाई करे। एम्प्लॉय शुड बी गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड स्किल्स, जिसको जो आता है वही काम उसको मिले, उसी काम के रिगार्डिंग नई नई चीज़ें उसको सिखाते रहना, ताकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको वो भी आए, नई मेथड्स अगर मार्केट में आ रही है तो वो उसको आए, तो ट्रेनिंग भी कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज़ को देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कंटिन्यूसली वर्क इंटरेस्ट जानने के लिए टेस्ट करते रहना। हो सकता है वर्कर्स को कुछ नई चीज़ें जानने में इंटरेस्ट हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली साइंटिफिक टेस्ट करते रहते हो, तो सो सिलेक्शन हैज़ टू बी डन साइंटिफिकली एंड अप्रोप्रिएटली। फाइनेंशियल मोटिवेशन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, किसी भी पर्सन को मोटिवेशन दो तरीके से मिल सकता है, या तो मॉनेटरी टर्म्स में पैसों से, या तो रिस्पेक्ट है, यू नो डिग्निटी है, पोजीशन है, इन सब से भी मिल सकता है। वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल मोटिवेशन, कि भाई जो वर्कर स्किल्ड है, जो अच्छे से काम कर रहा है, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल भी और दूसरे भी। इसके लिए एक प्रॉपर वेज सिस्टम होनी चाहिए। कैसी वेज सिस्टम? सिस्टम शुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कि अच्छा काम किया है तो उसको वेजेस उसके बढ़ा दो, उसकी सैलरी बढ़ा दो। इकोनॉमिकल मतलब के समझ में आए वैसे टर्म्स में बोलूँ तो चीज़ें सस्ते में होनी चाहिए, ख़राब नहीं, हो सके उतने लो कॉस्ट में। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल ये होना चाहिए, कि भाई अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए, यू नो क्वालिटी कैन बी मेंटेन इवन एट अ लो कॉस्ट। ऐसा नहीं है ज़्यादा खर्चा करके ही क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। डिविएशंस शुड बी फाउंड आउट एंड करेक्टेड। डिविएशंस का मतलब होता है कुछ मिस्टेक्स, एरर्स, काम में कहीं पे भी कोई मिस्टेक आ रही है, एरर आ रही है, तो उसको ढूंढना और उसको करेक्ट करना, बिकॉज जब तक डिविएशन रहेंगे, गलतियाँ रहेगी, तब तक खर्चा बढ़ता जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। सो कॉस्ट कंट्रोल, मेंटल रिवॉल्यूशन, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। देयर शुड बी अ मेंटल रिवॉल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स और ओनर्स दो ग्रुप्स है किसी भी बिजनेस में, और इनमें क्लैश चलते रहते हैं, तो ये क्लैश ना हो, उनमें स्ट्रेस ना बढ़े, ये इंश्योर करना इज मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस मेक्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स ईजी। अगर वर्कर्स और ओनर्स अपने बेनिफिट के लिए ही सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, तो गोल्स ईजीली अचीव हो जाएंगे। सो प्रोडक्शन विल बी मेट, एंड इमेज में अगर देखा जाए तो ओनर जो है वर्कर को अच्छे प्रोडक्शन के लिए बोनस दे रहा है, तो दिस क्रिएट्स अ यू नो कंड्यूसिव एटमोसफियर जहाँ पे बिजनेस ग्रो करेगा। वो टॉपिक वहाँ पे ख़त्म होता है, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक नाउ, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स मतलब क्या तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, ठीक है। तीन तरीके हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। फर्स्ट और सेकेंड हम ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको क्विकली देख लेते हैं वापस। सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड कितना है काम कंप्लीट करने के लिए, वो जानने की स्टडी को हम बोलते हैं टाइम स्टडी। और जो बेसिक टाइम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लगना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वही अगर वापस बोलूं कि अगर 1 आवर में काम कंप्लीट होना चाहिए, तो वो 1 आवर बेंचमार्क सेट हो गया, उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड टाइम।
और एज पर टेलर वर्क शुड बी कम्प्लीटेड इन द प्रिस्क्राइब टाइम, के जो स्टैंडर्ड टाइम में काम उसमें होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो वो वेस्टेज हो रहा है। ये प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स के बेस्ट यूज़ को यू नो बढ़ावा देती है एंड देयर बाई टाइमली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टेक्स प्लेस, के प्रॉपरली रेगुलरली ये गोल्स अचीव होते जाएंगे। मोशन स्टडी इज रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बिकॉज ऑफ अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि प्रोडक्शन लाइन में अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रही है मैन एंड मटीरियल की, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फटीग ऑफ वर्कर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर मोशन स्टडी, जो थकान होती है उसको भी हटाया जा सकता है। फटीग इज फ्री टाइम। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट अ मेथड विच मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वर्कर्स एफर्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। डिफरेंशियल वेज रेट्स स्टडी। डिफरेंशियल मतलब क्या? अलग अलग। वेज मतलब क्या? सैलरी बोल सकते हो आप, जो उनको वर्कर्स को मिलता है। सो डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब होता है जो वर्कर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको ज़्यादा वेजेस दो, जो नहीं कर रहा उसको कम वेजेस दो। सबको इक्वल नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर शुड गेट मोर वेजेस एंड लेस एफिशिएंट शुड गेट लेस वेजेस। दिस इज़ द थियोरी ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, कि आपकी जैसे इमेज में देखोगे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी तो आपकी वेजेस बढ़ते जाएंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो कम रहेगी बिकॉज आपके वेजेस कम है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। ये 6 टेक्स्ट बुक की इमेज ही है, ये थोड़ा लर्निंग है आपका, नथिंग टू अंडरस्टैंड। इट इज़ जस्ट 6 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल ने दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने दिए थे। याद रखना दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, बाकी ऊपर की इन्फॉर्मेशन इज योर लर्निंग पॉइंट। एक चीज़ ध्यान रखना कि सेकेंड पॉइंट में मैंने ब्रैकेट में मैंशन किया है, अगर आपका ध्यान ना जाए तो मैं मैंशन करके बता दूँ। इन टेक्स्ट बुक ओल्ड पब्लिकेशंस इन सम टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड द ईयर ऑफ द बुक बींग रिटन, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, इन द ईयर 1916 है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में यू माइट गेट इट एज 1961। 1961 रॉन्ग है, द करेक्ट ईयर इज 1916, 1916। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। There is still one topic remaining, but that's a bit difficult to understand. It's something new and important too. So we'll be coming back soon with another part of this chapter, which will be probably the last one. But till that time, we have covered almost 90% of this chapter. Thank you.